Something along the lines. Young Bucks. Shock Mirror. This is an AliExpress product. जी शाम को sorry actually someone was at the door एक सेकंड में थोड़ा मैसेजेस पढ़ लूँ पहले आप लोग के जी राना मैं चेक कर लूँगा इस सेशन के बाद जी रहमान मैं रिव्यू कर लूँगा लेकिन पहले हम लोग बेसिकली सिस्टम बना रहे हैं प्रोडक्ट हंटिंग के कोई मैं तकरीबन आप लोग को 6 या 7 तरीके बताऊंगा मे बी 8 मैक्सिमम पहले वो जब तरीके खत्म हो जाएंगे फिर आप लोग प्रोडक्ट्स हंट करके मुझे देंगे जब आप लोग हंट कर रहे होंगे तो टाइम लगेगा क्योंकि बहुत सारे प्रोडक्ट्स हंट करने होते हैं इसका कोई ऐसा तरीका नहीं है मैं अभी एक सेकेंड अपना स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ 1 मिनट रुकिएगा ओके ठीक है ये सबसे पहले शीट का लिंक ले लीजिए आप लोग ताकि कोई भी बात हो तो ये लीजिएगा शीट का लिंक ठीक है
ओके सो मैं आप लोग को यहाँ से स्टार्ट करवा रहा हूँगा। मैं बता देता हूँ तीन, मैं आप लोग को मैं फिर बता देता हूँ एक बार। मैं आप लोग को 6 से 8, 6 या 8 टोटल प्रोडक्ट हंटिंग टेक्निक्स बता रहा हूँगा। दीज आर वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट हंटिंग टेक्निक्स आउट देयर इन द मार्केट राइट नाउ। ये पूरे 6 8 मैं आज कवर नहीं कर पाऊंगा, तो आज मैं 3 4 कवर करूंगा, उसके नेक्स्ट क्लास में खत्म हो जाएगा। जब आप लोग के पास जैसे जैसे ये टेक्निक्स आना शुरू होंगी, आप लोग अपनी प्रोडक्ट रिसर्च स्टार्ट कर दोगे और एक शीट बनाना शुरू कर दोगे अपने पास, ठीक है? मुझसे शेयर मत करना भी। बाय द टाइम जब नेक्स्ट क्लास होगी, जब हम लोग एंड कर देंगे, तो फिर मैं आप लोग को बताऊंगा कि आप लोग को मुझे देने का तरीका क्या होगा वो प्रोडक्ट्स, और मैं उनको किस तरह अप्रूव कराऊंगा। सो आई थिंक यू गाइज शुड गिव गुड 1 2, मतलब बेसिकली आज से 3 तरीके होंगे, उस पर आप लोग हफ्ता लगाइएगा तकरीबन, कुछ प्रोडक्ट्स हंट कीजिएगा। नेक्स्ट वीक जब मैं नए प्रोडक्ट्स बताऊंगा, उसके बाद जो उससे नेक्स्ट वीक जो होगा, जब हमारी क्लास के बीच में जो टाइम होगा 1 हफ्ते का, आप लोग अपने प्रोडक्ट हंटिंग शुरू कर देंगे, सब कुछ कर देंगे। आप फिर मैं आप लोगों को सब तक तरीका बता चुका हूँ कि किस तरह आप लोग मुझे प्रोडक्ट दे रहे हो, मैं किस तरह देख रहा हूँ, किस तरह प्रूफ कर रहा हूँ। जब ये दोनों तरीके हो जाएंगे, 2 क्लासेस हो जाएंगी, सारे प्रोडक्ट हंटिंग टेक्निक्स कवर हो जाएंगी, फिर मैं आप लोग को शॉप बनाना सिखाऊंगा, ठीक है? उसका रीजन ये है कि आप लोग को ये माइंड बनाना है कि आप लोग को सिंगल प्रोडक्ट स्टोर बनाना है, जनरल स्टोर बनाना है, या निश बेस्ड स्टोर बनाना है, या आप लोग के ऊपर होगा ये। उसके ऊपर बेस करते हुए आप लोग प्रोडक्ट रिसर्च करोगे। तो या दैट्स प्रीटी मच इट, ठीक है? मैं स्क्रीन आपको तो चैट विंडो सामने खोल लूँ। जी ओके सो प्रोडक्ट रिसर्च जो तरीके मैं बताऊंगा, मैंने पहले आप लोग को बता दिया, ये वन ऑफ द बेस्ट तरीके होंगे। हो सकते हैं काफी सारे आप लोग में से लोग जो हैं मेरे प्रोडक्ट हंटिंग टेक्निक्स देख चुके हों, जो मैंने मेंशन करे हुए हैं बीबीसी में। उसके अलावा ये है द हार्ड पार्ट इज विच प्रोडक्ट्स टू टेस्ट नॉट फाइंडिंग प्रोडक्ट्स। तो बेसिकली जब आप लोग प्रोडक्ट हंटिंग कर लेते हो, तो एक डिलेमा एक में फंस जाओगे आप लोग, प्रॉब्ली आप लोग रिलक्टेंट होगे कि मैं कौन से प्रोडक्ट्स टेस्ट करूं, कौन से नहीं करूं, ठीक है? एंड इसके लिए दिस इज वेयर द प्रोडक्ट वैलिडेशन कम्स इन, ठीक है? प्रोडक्ट वैलिडेशन की टेक्निक्स मैंने आप लोग को बता दी हैं, कुछ और विद टाइम में आप लोग को मेंशन करता रहूंगा, लेकिन जो मेजर मेजर थीम वो बता दी हैं। उन पॉइंटर्स को सामने रखिएगा जब आप लोग प्रोडक्ट हंट कर रहे हो, ठीक है? देखें, जब आप लोग कोई प्रोडक्ट मेरे पास भेजोगे, तो मेरी भी अपनी प्रोडक्ट वैलिडेशन शीट है, मैं उसके थ्रू जा रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ कि कौन सी चीजें मेरे ख्याल से सही है, कौन सी गलत है। देर इज नो गोल्डन रूल कि नहीं, अगर आप लोग इस तरह से ये प्रोडक्ट्स चलेंगी 100%, नहीं ये तो डन चलेंगी, ऐसा कोई शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग में कोई ऐसा कोई जादू की छड़ी नहीं है हमारे पास कि हम बस 1 सेकंड में डिसाइड कर लें या बहुत इजीली डिसाइड कर लें कि बस ये प्रोडक्ट तो 100% हमें प्रॉफिट देगी। इसमें बहुत सारे चीजें होती हैं जो आपको कंसिडर करनी पड़ेंगी। मतलब बेसिकली आई टेल यू व्हाट, जब आप लोग प्रोडक्ट हंट कर लोगे, तो उसके बाद इट रियली डिपेंड्स कि आप लोग अपनी प्रोडक्ट कैसे लॉन्च कर रहे हो। कुछ प्रोडक्ट सेचुरेटेड होती हैं, कुछ प्रोडक्ट सेचुरेटेड नहीं होती, ठीक है? अब दोनों में एक कुछ डिस्क्लेमर दे देता हूँ। अगर प्रोडक्ट सेचुरेटेड है, तो आप लोग अपनी मार्केटिंग कैंपेन का जो एंगल है उसको चेंज करके जो है ना मार्केट कर सकते हो, तो आपकी सेल्स एक्सपेक्ट की जा सकती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ये बोलूँ कि पोस्टर करेक्टर आपका एक प्रोडक्ट है और आप लोग उसको मार्केट करने जा रहे हो, तो अगर आप लोग उसको मार्केट करने जा रहे हो, तो देर टू टू थ्री एंगल्स जिसकी तरह से आप लोग उसको मार्केट कर सकते हो। एक एंगल ये है कि आप लोग बोलो कि यार यू हैव सर्वाइकल और लंबर प्रॉब्लम्स, सही है? सो बेसिकली आप जो है पोस्चर करेक्टर को ट्राई करो एंड ऑल दैट, ठीक है? आप लोग ने अपनी वीडियो एड कैंपेन्स उस तरह बनवाई या जो भी, एक एंगल ये हो गया। दूसरा एंगल ये हो गया, वो लोग जो कंप्यूटर पे बहुत लंबे लंबे आवर्स तक बैठते हैं, सही है, जो गेमिंग करते हैं हंच करके, सही है, जो बेसिकली बहुत देर तक जो है ना अपने कुर्सी पे बैठने का उनका कोई काम होता है, उनको भी लंबर और सर्वाइकल इश्यूज आ जाते हैं। मुझे है, मुझे सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस है, सही है? तो उन लोगों को भी ये इश्यू आ जाता है। तो दूसरा एंगल ये हो गया कि आपने बेसिकली अपना वीडियो एड बनाया जिसपे आपने दिखाया कि
facing issues or trouble sitting on a long for longer hours, spending longer hours on your computer or PC or while gaming. So try our posture corrector, which will help you get rid of your XYZ. ठीक है, मैं एक बात बता रहा हूँ. बेसिकली आपको बताने का मकसद ये था कि हमारे पास प्रोडक्ट्स बहुत सारी हैं अली एक्सप्रेस पे. लोग गलती ये करते हैं कि सैचुरेटेड प्रोडक्ट्स पे वो समझते हैं कि नहीं ये चलेगी नहीं. नहीं, चल सकती है बिल्कुल. बहुत ज़्यादा सैचुरेटेड प्रोडक्ट्स, जैसे कि एक आपने एक मून देखा होगा अली एक्सप्रेस पे, मैं आप लोग को दिखा देता हूँ. इस तरह की प्रोडक्ट्स चलने का तरीका कोई वो मुश्किल है, मैं ये नहीं बोला नामुमकिन है. देन अगेन आपका दिमाग के ऊपर है कि आप लोग कितनी क्रिएटिविटी से आइडियाज ऑन बोर्ड ला सकते हो कि आप इस तरह के प्रोडक्ट्स को भी करो. मून लैम्प बहुत मशहूर है, थिक देख के हर कोई थक चुका है इसको. ठीक है, ये अभी भी लोग इसको इतना प्रमोट कर रहे हैं, इतना ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता. ये दिस पर्टिकुलर लैम्प, ठीक है, और लोग ये समझ रहे होते हैं कि अभी भी इसके ऊपर सेल्स स्कोर कर लेंगे. मेरा ख्याल नहीं है, आई कुड बी रॉन्ग, बट मेरा ख्याल नहीं है. ये 2015 से सेल हो रहा है ये प्रोडक्ट, और मेरा ख्याल यही है कि ये अपने लिमिट पे आ चुका है. अब जिसको खरीदना होता है वो जाके खुद से खरीद लेता है अपने लिए, लेकिन अब मुझे नहीं लगता ड्रॉप शिपिंग में सही से चल सकता है. लेकिन आई कुड बी रॉन्ग, इट रियली डिपेंड्स कि आप इसका एंगल क्या ढूंढते हो, इसको इसका कस्टमर परसोना आप लोग क्या बना सकते हो, एंड देन क्या एंगल ढूंढ सकते हो इसको प्रमोट करने के लिए. तो ये आप लोग, आई होप आप लोग समझ गए हो. प्रोडक्ट वैलिडेशन करनी है आप लोग ने. प्रोडक्ट वैलिडेशन के बाद जो चीज़ आप लोग को नेक्स्ट करनी है वो है कि जो भी 10 प्रोडक्ट्स 15 प्रोडक्ट्स आप लोग ने सेलेक्ट करी हैं उसमें से मधी शॉर्टलिस्ट करना है. प्रोडक्ट रिसर्च मेथड एक बहुत रिगरस मेथड है इन ड्रॉप शिपिंग. ये अली एक्सप्रेस और सॉरी ये अमेजोन पी एल की तरह नहीं है, ये बहुत सारे दूसरे ई कॉमर्स स्टोर्स की तरह नहीं है. इसमें आपको हर हफ्ते आपको एटलीस्ट 2 से 3 दिन प्रोडक्ट हंटिंग वैलिडेशन और फिर आपको शॉर्टलिस्ट करने होंगे प्रोडक्ट्स, और बाकी 3-4 दिन आपको बेसिकली मार्केट करना होगा, उसको डिस्प्ले करना होगा अपनी ई कॉमर्स स्टोर पे, और फिर उसको वहां से आगे लेके चलना होगा. ठीक है, सो आई होप दिस इज क्लियर. मैं इसको चैट विंडो के बोल लूं आपको. ठीक है, so that being said, let's hop on to this. So ye flow chart maine banaya hua hai. This is how you're going to go. You're going to start jis din aap log apna product research start karoge, search for winning products. ye 5-6 tarike hain, ho sakta hai ye 8 tak chale jaye. inke through ye different tarike hain jiske through aap product research karoge. jab aap inke through product research kar loge, फिर आप प्रोडक्ट वैलिडेशन करोगे. जो पॉइंटर्स मैंने आप लोगों को पिछली क्लास में दिए थे कि दीज आर प्रोडक्ट वैलिडेशन पॉइंट्स, इसका गैजेट्स का मैंने बोला था, गैजेट्स इज मीडियम रिस्की प्रोडक्ट कहलाता है, लेकिन दैट डज नॉट मीन कि आप गैजेट्स को प्रमोट नहीं कर सकते. बिकॉज बस आप यू जस्ट हैव टू मेक श्योर कि उसका मैनुअल उसके साथ हो और वो एक बहुत ज़्यादा मतलब टेंजिबल प्रोडक्ट तो हो, लेकिन इतना ज़्यादा वो ऐसा प्रोडक्ट ना हो कि वो शिपिंग के वक्त ही डैमेज हो जाए. सही है, shortlist the top 10 products from your total list. तो अगर आपने 10 products करे हुए हैं तो आप 1 से 2 या 3 ऐसे products shortlist कर लो जो आपको लगता है कि नहीं these will outperform, और फिर वो products आप मुझे दो. मैं आपको तरीका बताऊंगा. ऐसे मत देना कि जाके जो है ना फेसबुक मैसेंजर पे सर मेरा मैसेज चेक कर ले, मैसेज चेक कर ले, मेरा प्रोडक्ट्स नहीं है, ऐसे ये तरीका नहीं है. मैं आप लोगों को बताऊंगा कैसे आप लोग कर रहे होगे, और फिर दैट्स वेयर हम फुल स्टॉप लगाएंगे एंड देन वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेक्शन. ठीक है, which is making the shop. और फिर शॉप के बाद हम लोग बेसिकली फेसबुक एड्स गूगल एड्स की तरफ आएंगे. ओके, सो नेवर जंप ऑन अ प्रोडक्ट विदाउट प्रोडक्ट वैलिडेशन. ये पॉइंटर आप लोग याद रख लीजिए. अगर आप लोग प्रोडक्ट वैलिडेशन नहीं करोगे और आप एक्सपेक्ट करते हो कि मैं आपके लिए करूंगा, तो आप लोग ये भूल जाओ. मेरे अपने वैलिडेशन पॉइंट्स हैं, आपके अपने हैं जो मैंने आप लोग को बताए हैं. अगर आप लोग प्रोडक्ट वैलिडेशन नहीं करोगे, आप लोग बिल्कुल फजूल प्रोडक्ट्स के ऊपर टाइम वेस्ट कर रहे होगे, अपने बजट ज़ाया कर रहे होगे, और यू विल नॉट गेट एनी रिजल्ट. सही है, तो प्लीज रिमेंबर दिस पॉइंट. तो प्रोडक्ट रिसर्च मेथड 1 वाज प्रीवियसली नोन एज टर्बो एड्स, इज नाउ नोन एज न्यूज फीड स्पाई. सही है, तो आप करते क्या हो, पहले मैं आपको थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड दे देता हूँ ताकि आपको अंदाजा हो जाए. मैं बेसिकली फेसबुक एड स्पेशलिस्ट हूँ खुद. एक मैंने शायद आप लोग को पहले भी क्लासेस में बताया होगा, मैं एम सी बी
आरिफ हबीब के लिए काम कर रहा था, उससे पहले बहुत सारे दूसरे ब्रांड्स के लिए भी काम कर रहा था. मैं क्लाइंट्स जो हैं मेरे इंटरनेशनल क्लाइंट्स तकरीबन 550 600 रह चुके हैं. डिफरेंट डिफरेंट डिशेज में मैंने काम करा है, तो मैं काफ़ी हद तक चीज़ें जानता हूँ. ऑब्वियसली बैड, मैं फेसबुक में तो काम नहीं करा कि मैं बोलूँ कि मैं फेसबुक एड्स का एल्गोरिथम जानता हूँ, बट देर लॉट ऑफ थिंग्स जो कि प्रो एडवर्टाइजर्स बैठ के समझ सकते हैं, जिनका बहुत लंबा एक्सपीरियंस हो, कि भाई ये चीज़ें कॉन्ट्रीब्यूट कर रही होती हैं जिसकी वजह से एड्स कस्टमर्स को नजर आ रहे होते हैं. ठीक है, तो वो मैं पहले आप लोगों को एक थोड़ा सा बैकग्राउंड दे देता हूँ. बिफोर आई गिव यू द बैकग्राउंड, आप क्रोम एक्सटेंशन ये सारी डाउनलोड कर लो. मैंने पहले भी बताया था, मैं फिर बता रहा हूँ, टर्बो एड फाइंडर अब काम नहीं कर रहा है. टर्बो एड फाइंडर अगर काम ना करो, इट डज नॉट मीन कि आप प्रोडक्ट्स नहीं ढूंढ सकते, आपको मैन्युअली ढूंढना पड़ेगा. ठीक है, थ्रू योर न्यूज फीड, ये कोई हैसल नहीं है, आप कर सकते हो. ठीक है, ये सारे एक्सटेंशन हैं, इसमें दो नए एक्सटेंशन हैं बीसी के बाद, लास्ट बीसी के बाद से, विच इज एड लाइब्रेरी हेल्पर एंड ट्रैकिंग एड्स बिक्सबाय. ये मैं आप लोगों को तरीका बता दूंगा इनके, इन सबको कैसे यूज करना है. आई विल गो थ्रू ईच वन ऑफ देम. मैं क्योंकि तरीका बता रहूंगा आप लोगों को प्रोडक्ट रिसर्च का, तो मैं ज्यादातर एक्सटेंशन वैसे ही डिस्कस करूंगा, बाकी मैं आगे जाके डिस्कस करूंगा. ठीक है, तो अब सबसे पहले सवाल ये है कि अब जब आप लोग ये एड देखते हो जो मेरे सामने आ रहा है, और आप लोग के सामने स्क्रीन में जो शो हो रहा है, जो मैं आपको शेयर करके बैठा हूँ, हेयर ब्लूम एक्सक्यूज मी, इस एड को देख के आप लोग के जहन में क्या आता है? सबसे पहले चीज, क्या चीज आपको अट्रैक्ट कर रही है, या बेसिकली क्या चीज है जो के आपकी अटेंशन ग्रैस्प कर रही है? जस्ट गिव इट अ थॉट. ओके, सो जस्ट गिव मी अ मोमेंट. ओके, तो देयर कपल ऑफ थिंग्स जो मैं इस एड के बारे में आप लोगों को बताता हूँ. अच्छा, सो पहली चीज तो ये कि इसने जिस तरह एड कॉपी अपनी स्टार्ट करी है, सही है, फाइनली तो बंदे की अटेंशन थोड़ी सी खुद ग्रेस्प हो जाती है. लेकिन मैं पहले, इससे पहले मैं फाइनली वाले एस्पेक्ट पे आऊँ, मैं आप लोगों को दो तीन चीजें बता देता हूँ. जब भी आप न्यूज फीड पे अपना कोई एड देखते हो, एक्सक्यूज मी, उस एड में बेसिकली तीन से चार मेजर एस्पेक्ट्स होते हैं, तीन से चार मेजर कंपोनेंट्स होते हैं. पहला कंपोनेंट जो होता है ना, वो होता है आपका द एड इटसेल्फ. ये सबसे पहली चीज आप देखते हो जब आप अपनी न्यूज फीड के थ्रू जा रहे होगे और आप डिफरेंट एड्स को देख रहे होगे, तो सबसे पहली चीज जो आपको नजर आएगी ना वो, और आपके जो बेसिकली साइकोलॉजिकली जो चीज सबसे पहले अटेंशन ग्रैस्प करेगी, वो बेसिकली आपका एड होगा, द लुक एंड फील, नॉट फाइनली, नॉट दिस, द एड इटसेल्फ, द विजुअल. ठीक है, सेकेंड चीज जो आपकी अटेंशन ग्रैस करेगी, जो इजिली ग्रैस कर लेगी, वो है आपकी ये. तो यहाँ पे बेसिकली इसने अपनी ऑफर दे दी है, क्लेम द डिस्क्रीट हेयरिंग एड फॉर अंडर $100. ठीक है, एंड नंबर थ्री है आपका, फिर आप एड कॉपी पढ़ते हो, आप बोलते हो अच्छा ठीक है, इट्स समथिंग अबाउट हेयरिंग एड. ठीक है, यहाँ पे बेसिकली इसने ये सब हेडलाइन डाली है, ये दिस इज कॉल्ड कॉल्ड द हेडलाइन. ठीक है, इम्प्रूव योर लाइफ टूडे विद हेयर ब्लूम, शेयर दिस विद समवन हु नीड्स इट. सो हम लोग बेसिकली ये एड में एक इस तरह के सब टाइटल्स या कोई हेड हेडलाइन में, सेकेंड हेडलाइन क्यों डालते हैं? बिकॉज इनका क्लिक थ्रू रेट बहुत हाई होता है. ठीक है, सो बेसिकली दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट यू नोटिस, दिस इज द सेकेंड एंड दिस इज द थर्ड. क्योंकि आप पहले उस दूसरे के ऊपर आपकी अटेंशन जाएगी, आप जब उसके आपकी अटेंशन ग्रैस्प होगी, आपको उसमें कोई ऐसी स्टैंड स्टैंड आउट ऑफर नजर आएगी, आपको कोई ऐसी चीज नजर आएगी जो कि आपके काम आएगी वो चीज़, फॉर एग्जाम्पल. ठीक है, मतलब अगर इफ यू हैव हेयरिंग प्रॉब्लम्स और व्हाट्सो एवर, ठीक है, तो उसके बाद फिर यू विल गो टू द थर्ड स्टेप विच इज द एड कॉपी इटसेल्फ, और फिर आप क्लिक करोगे सी मोर पे. ठीक है, इसमें एक चीज और नोटिस करने वाली है जो कि एक किसी भी कस्टमर का जो है बिहेवियर को वो ज्यादा रीनफोर्स करेगा कि वो एक्शन ले इस एड के ऊपर,
एंड दैट इज द सोशल प्रूफ. यहाँ पे सबसे बॉटम पे देखिए, 8,800 लाइक्स, 3,800 कमेंट्स एंड 3,600 शेयर्स. अब सवाल ये है कि इसमें दो से तीन चीजें हम बात कर सकते हैं. पहली चीज तो ये हो गई कि ये जो सोशल प्रूफ आया हुआ है, ये क्या इसने ऑब्वियसली इसने थाउजेंड्स ऑफ एड डॉलर्स इस एड के ऊपर खर्च करे हैं, तो कैसे वो थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स खर्च करने की वजह से इतना इतना सोशल प्रूफ बिल्ड हो सकता है? मैं आपसे बोलता हूँ, मेरा मैं ये वायरल, कोई वायरल ऐसी चीज नहीं है. कोई होती ना वायरल होने वाली चीज होती है कि आप क्या बोलूँ, फॉर एग्जांपल एनिमल्स से रिलेटेड, या कोई आर्ट पीस है, या कोई ऐसी चीज है जो आपको अपनी न्यूज फीड पे नजर आई जिसमें अंदर वायरलिटी वाला एस्पेक्ट हो. ये कोई ऐसा एस्पेक्ट नहीं है, ये एक प्रोडक्ट है. यूजली ये चीजें इटसेल्फ बाय इटसेल्फ इतना ज्यादा सोशल प्रूफ लेके नहीं बैठती. ठीक है, कीप दैट इन योर माइंड. तो क्या हम ये कह सकते हैं कि मतलब ये बेसिकली हम लोग ने पेड एड्स चलाई हैं जिसकी वजह से इतना ज्यादा सोशल प्रूफ आया है? हाँ, एक तरह से हम कह सकते हैं और एक तरह से नहीं. मैं आपको बताता हूँ क्यों. हाँ, ये एड्स का ही एस्पेक्ट है, मतलब इम्पैक्ट है. ठीक है, लेकिन जो इतना सोशल प्रूफ अगर आप अपने एड पे लाना चाह रहे हो, तो ये सिर्फ कन्वर्जन एड्स जो हम बोलते हैं वेबसाइट कन्वर्जन एड्स से नहीं आ सकता. मतलब अगर आप $3,000-4,000 $5,000 खर्च करो, इट इज हाईली लाइकली, अगर आप टीयर वन कंट्री को टारगेट करो जैसे अमेरिका, इट इज हाईली लाइकली कि आपके पास इतना सोशल प्रूफ सिर्फ कन्वर्जन एड चलाने से नहीं आएगा. आप बेसिकली मल्टीपल कैंपेन्स चलाते हो जिसमें से एक कैंपेन का नाम होगा पोस्ट एंगेजमेंट, और जिसकी वो आप बेसिकली साइमल्टेनियसली चला रहे होगे, और बेसिकली उस पर कुछ टेक्निक्स होती हैं जो मैं बाद में आप लोगों को बता रहा, जिसकी वजह से इतना सोशल प्रूफ आप लोग के पास, इतना हैवी किस्म का सोशल प्रूफ आता है. मैं आपको बेसिकली सोशल प्रूफ वाले एस्पेक्ट के ऊपर इतना ज़्यादा इसलिए एम्फोसिस दे रहा हूँ क्योंकि सोशल प्रूफ एट टाइम्स आपके बिहेवियर को, सबकॉन्शियसली आपके बिहेवियर को रीइन्फोर्स करता है कि आप कॉमेंट्स पे जाके पढ़ो यार लोग इस बारे में क्या ऐसी बात कर रहे हैं. हाँ, मुझे नीड है, लेकिन मैं एक बार लोगों का भी कमेंट्स पढ़ लूं कि कहीं उन्होंने नेगेटिव रिव्यू या नेगेटिव बातें तो नहीं करी हुई इस प्रोडक्ट के बारे में. तो इस तरह का सोशल प्रूफ आपके हक में बहुत ज्यादा बेहतर होता है, वो काम आता है. ठीक है, सो अब इससे अब हम आगे बढ़ते हैं और हम पहले ये बात निकालते हैं कि अगर एक लास्ट बात इसमें ही ऐड कर देता हूं मैं, अगर आपको इस तरह वाला कोई एड नजर आता है अपनी न्यूज फीड पे, अगर इस तरह का कोई ऐड आपको अपनी न्यूज फीड पे नजर आता है, तो आप क्या ये बात बोल सकते हैं कि ये प्रोडक्ट बहुत ज्यादा सेल कर रहे हैं? जस्ट से यस और नो फॉर अ मोमेंट, ताकि फिर मैं फौरन से आप लोगों को इसको कवर करूं. जी, द आंसर इज यस. नहीं, इट इज हाईली लाइकली कि प्रोडक्ट काफी सेल कर रहा है. इट इज हाईली लाइकली, मैं ये नहीं बोला 100% ये प्रोडक्ट प्रॉफिटेबल है, बट इतने सोशल प्रूफ के साथ लेके बैठा हुआ है तो आई एम 90% कॉन्फिडेंट कि ये प्रोडक्ट्स प्रॉफिटेबल है. अब सवाल ये आता है कि अगर मैं आपसे ये पूछता हूं कि क्या आपके पास ड्रॉप शिपिंग प्रोडक्ट्स या इस तरह का एड, क्या आपके पास रोज, अगर मैं बोलूं कि आप एक घंटा अपने न्यूज फीड पर गुजारें, और क्या आप 25 से 50 ऐसे प्रोडक्ट्स निकाल सकते हो जिनके पास ये एक घंटे के अंदर या आधे घंटे के अंदर 25 या 15 ऐसे प्रोडक्ट्स निकाल सकते हो जिनका इतना हैवी सोशल प्रूफ हो? क्या आपके पास ऐसे एड्स आते हैं? तो मेजॉरिटी का आंसर होगा नो. मैं सबकी बात नहीं कर रहा, एंड आई एम श्योर यहाँ पे काफी सारे लोग होंगे नहीं सर मेरे पास आते हैं, मेरे पास आते हैं, एंड आई एम श्योर आपके पास आते होंगे. उसका रीजन है क्योंकि आपने बेसिकली फेसबुक को वो बिहेवियर दिया है जो फेसबुक आपसे मांग रहा था. तो इस तरह के सोशल प्रूफ वाले एड्स अपने न्यूज फीड पे देखने के लिए हम एक स्क्रिप्ट चलाएंगे जिसकी वजह से आप बेसिकली फेसबुक को धोखा दे रहे होगे कि मैं इस प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड हूं, मुझे और ऐसे प्रोडक्ट्स दिखाओ. अब इससे होगा क्या, आपके पास इस तरह के प्रोडक्ट्स फ्लड की तरह आपके न्यूज फीड पे आना शुरू हो जाएंगे, वन आफ्टर अनदर. सही है, आपके न्यूज फीड पे इस तरह के एड्स भर जाएंगे. अब जब कोई ऐसा एड चल रहा होता है, वो प्रॉफिटेबल होता है, वो अभी भी प्रॉफिट कमा रहा है, तो इट इज हाईली लाइकली अगेन कि ये प्रोडक्ट प्रॉफिटेबल है, ये अभी भी अपने सेल्स टंग उठा रहा है. यू विल ट्राई टू हैव अ पीस ऑफ द पाई. मतलब अगर कोई प्रोडक्ट
अभी अपने फुल सैचुरेशन मोड पे नहीं गया है, आप क्या करोगे, आप उधर कैश इन करने की कोशिश करोगे उस तरह के प्रोडक्ट्स जो अभी मशहूर हो रहे हैं, और अगर वो पिछले 2002 2 साल 3 साल से नहीं चल रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, तो आप क्या करोगे उस प्रोडक्ट को जाके आप कैश इन करने की कोशिश करोगे, आप कोशिश करोगे अगर ये एक जायंट कमा रहा है तो मैं भी कुछ पैसा कमा लूं, मैं भी $200-$500 अपने हिट कर लूं या $700 हिट कर लूं, ठीक है। सो दिस इज द होल कॉन्सेप्ट ऑफ दिस प्रोडक्ट रिसर्च, ठीक है। एक मिनट रुकिएगा, तो अब सवाल ये है, मैं टर्बो एड फाइंडर, मैं हाल से आप लेट आए हो, मैं टर्बो एड फाइंडर के बारे में पहले ही से इन्फॉर्मेशन दे चुका हूँ, आप लोग प्लीज ये बीए का सेशन फिर से देख लीजिएगा। जिनके पास जो ये टेक्निक कर चुके हैं उनको मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि आपको ये टेक्निक एक बार इंप्लीमेंट करने से नहीं मिलेगी, आपको ये 4 से 5 6 बार कभी कभी 7 बार भी इंप्लीमेंट करनी पड़ेगी। उसका रीजन ये है कि मैं आपको बताता हूँ, आज तक आपने फेसबुक को, आप फेसबुक कितने अरसे से इस्तेमाल कर रहे हो, 5 साल 10 साल 10 साल 8 साल में भी मैं वो इजिली बोल सकता हूँ कि यहाँ पे मेजोरिटी लोग ऑन एन एवरेज 8 साल से यूज कर रहे हैं फेसबुक को। अब आप ये सोचें कि आपने फेसबुक को एक अपना बिहेवियर दिया हुआ है, राइट, आपने फेसबुक को अपना एक बिहेवियर दिया हुआ है कि आप फेसबुक पे इंटरेक्ट कैसे करते हो। अच्छा, मैं अब आपको इसकी कुछ एग्जांपल्स दे देता हूँ। भाई मैं बार बार आपसे बोल रहा हूँ टर्बो एड्स के बारे में आप बात नहीं कीजिए, आप फिर वही बात करे जा रहे हैं। मैं भी अभी बोला है कि टर्बो एड्स के बारे में मैंने, आप सेशन के बीच में आए हैं, ठीक है, इट्स ओके आप सेशन के बीच में आए हैं, आपने मिस कर दिया। मैंने अभी बताया सबको कि टर्बो एड्स काम नहीं कर रहा है, आपको मैन्युअली अपने न्यूज फीड से जाना पड़ेगा और आपको वो एड्स सेलेक्ट करने पड़ेंगे, ये भी कोई मुश्किल चीज नहीं है। तो मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ। तो अब मैं, प्लीज आई वॉन्ट टू स्टिक टू द टॉपिक, अब बात ही कर लेते हैं कि आप पिछले 8 साल से फेसबुक यूज कर रहे हो और आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली से इंटरेक्ट कर रहे हो। अब आपका जो बिहेवियर है ना, उस लिहाज से न्यूज फीड में फेसबुक आपको चीजें दिखाएगा, ठीक है। अब मैं आप लोग को एक चीज बताता हूँ, मेरी वाइफ ऑनलाइन शॉपिंग बहुत करती है, ठीक है, और वो ज्यादातर जो ऑनलाइन शॉपिंग करती है, सही है, वो दराज वगैरह से भी करती होगी, डायरेक्ट भी ऑर्डर करती है, लेकिन वो बहुत सारी ऑनलाइन शॉपिंग उससे भी करती है जो फेसबुक पे लाइव न्यूज फीड आ रही होती है, जो लोग लाइव चीजें बेच रहे होते हैं। तो अब जब मैं उसकी न्यूज फीड कभी खोलता हूँ ना, तो उसके ऊपर बम्बार्डमेंट हुई भी होती है लाइव न्यूज फीड की, आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ, लाइव न्यूज फीड की। अब फेसबुक को बेसिकली जो बिहेवियर जो उस फेसबुक प्रोफाइल से जो फेसबुक को मिला हुआ है वो ये है कि ये कस्टमर या ये पर्टिकुलर प्रोस्पेक्ट फेसबुक लाइव न्यूज फीड में ज्यादा इंटरेस्टेड है और उसमें इंगेज करता है। तो अब मैं इसको न्यूज फीड में फेसबुक लाइव सेशन ज्यादा दिखाऊंगा। इट रियली मैटर्स कि आपने पिछले कुछ अरसे में क्या बिहेवियर फेसबुक को दे रहे हो, तो अब इन सो दैट फेसबुक आपको इस तरह के चीजें आपके न्यूज फीड पे दिखाना शुरू करे, आपको इस तरह की इंटरेक्शन एक वीक के अंदर जरा ज्यादा करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो अब मैं आपको बताता हूँ क्या करना है आपने। एक तरीका आसान ये है कि आप डिफरेंट फेसबुक ड्रॉपशिपिंग स्टोर्स को ढूंढो, डिफरेंट, सेम नहीं, डिफरेंट, और उन सब पे जाके आप एड टू कार्ट करते रहो। इससे भी फर्क पड़ता है, इससे भी आपकी न्यूज फीड में ज्यादा इस तरह के एड्स शो होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन ज्यादा सॉलिड या ज्यादा फर्म आपका बिहेवियर क्या है कि अगर आप परचेज करो, तो जब आप परचेज करते हो तो आप फेसबुक पिक्सल, सही है, दिस इज फेसबुक पिक्सल, ठीक है, फेसबुक पिक्सल हेल्पर, लेट मी शो यू, वेट, मुझे बताने दे एक मिनट, चले दराज पे चला जाता हूँ, आई होप दराज पर हो, ठीक है। वैसे दराज एक रीजन मेजर है कि क्यों दराज ने अपना फेसबुक लाइक पिक्सल क्यों नहीं इंप्लीमेंट करा हुआ, या किया हुआ, तो ये कभी टर्न ऑफ कर देते हैं, कभी ऑफ कर देते हैं। तो दराज का फेसबुक पिक्सल जो है वो ये है, ठीक है, और इन्होंने दो लगाए हुए हैं, वो अब मैं इस डिटेल में नहीं जा रहा, दो क्यों लगाए हुए हैं मैं इस डिटेल में नहीं जा रहा, फिलहाल मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि दराज ने फेसबुक पिक्सल लगाया हुआ है अपने पास। तो अगर मैं दराज से शॉपिंग करता रहूंगा ना ऑन एंड ऑन, तो इसमें दो तरह के मुझे एड्स नजर आएंगे, एक तो रीटारगेटिंग एड्स है,
कि अगर लेट्स सपोज यहाँ पे मैं किसी चीज के ऊपर गया लेकिन मैंने बाय नहीं करा, तो मुझे दराज वापस रीटारगेट करके वो एड दिखाएगा अभी तक कूपन कोड, बोलेगा कि आप ये प्रोडक्ट बाय कर ले, ठीक है। और दूसरा तरीका ये है कि जो कि कोल्ड ऑडियंसेस ऐड होते हैं या वार्म ऑडियंसेस ऐड होते हैं, कि अगर मैंने शॉपिंग नहीं करी रीटारगेटिंग नहीं होगी, लेकिन दराज की जगह मुझे टेलीमार्ट के एड्स नजर आना शुरू हो जाएंगे, मुझे दूसरे प्लेटफॉर्म्स के जो है ना गो लूट लो के जो है ना एड्स नजर आना शुरू हो जाएंगे। उसका रीजन ये है कि फेसबुक ये देखता है कि मुईज दराज से काफी शॉपिंग करता है, तो अब मुईज को ई कॉमर्स एड्स विच आर इन पाकिस्तान वो एड्स दिखाना शुरू कर दो, ताकि मुईज का बिहेवियर रीइंफोर्स हो और मुईज ज्यादा से ज्यादा एंगेज करे, ठीक है। आई होप अब आप लोग समझ गए होंगे इस बात को। तो काफी ये एक वो थी कंफ्यूजन थी लोगों को, तो मैंने ये काफी हद तक आंसर कर दिया, ठीक है। अब आप लोग आई होप ये चीज समझ गए होंगे कि हाउ दिस होल थिंग वर्क्स। सो अब आ जाते हैं इसके ऊपर, द बेसिकली द कोड इटसेल्फ आपको किससे इम्प्लीमेंट करना है। फ्लडिंग योर फेसबुक न्यूज फीड विद ड्रॉप शिपिंग एड्स, तो द फर्स्ट थिंग दैट यू रिक्वायर इज फेसबुक एड टर्बो एड फाइंडर, जिसकी अब आपको जरूरत नहीं है, ये काम नहीं कर रहा, मैं इसको यहां से मिटा रहा हूं, ठीक है। अब आ जाए तो नेक्स्ट चीज रिक्वायर्ड है, पहली चीज काम नहीं कर रही, दूसरी चीज काम कर रही है और बाकी सारी चीजें काम कर रही है, फेसबुक पिक्सल हेल्पर, ये रहा। आपको लिखना होगा क्रोम एक्सटेंशन, क्रोम पे जाके फेसबुक पिक्सल हेल्पर क्रोम एक्सटेंशन, वैसे तो वो उस पर भी आ जाएगा लेकिन, और आप लोग जाके ये डाउनलोड कर लोगे, ठीक है। नेक्स्ट चीज जो आपको करनी है, you need to go on a shop, select the product, add to cart and check out, ठीक है। तो अब किसी भी product shop पे चले जाते हैं, हाय गो, मैंने इस वाली shop का example दिया ज्यादातर, रुके let me think, wait, मैं अपनी न्यूज फीड से कोई देखता हूँ कि अगर मुझे मिलती है, नहीं this is not a drop shipping product, I'll just go, shit, sorry, मेरे माउस का इशू है थोड़ा, this is not a drop shipping product either, ठीक है, मुझे पता है क्योंकि मैं काफी इनके ऊपर रिसर्च कर चुका हूँ, मैं रिटारगेट हो रहा हूँ इनके ऊपर, मैं ये करता रहता हूँ इस वजह से, let me just go through them, this is not a drop shipping product either, तो basically मुझे भी देनी है, this is a drop shipping product, ठीक है, architecture. So let's shop now. ठीक है, अब ये सारे ड्रॉप शिपिंग प्रोडक्ट्स हैं, जस्ट सो दैट यू गाइस नो, लुक्स नाइस, खैर ये सारे के सारे जो है ना ड्रॉप शिपिंग प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। एंड एज यू कैन सी ये जो पूरी साइट है, ये बेसिकली उस इंटीरियर डेकोरेशन के निश के ऊपर बेस्ड है और Shopify पे बनी हुई है, जो पॉपअप आया था ये Shopify का विजिट है, ऐप है बेसिकली, ठीक है। ये बेसिकली फोकस ही सिर्फ इंटीरियर डेकोरेशन के ऊपर कर रही है, एज यू कैन सी, ठीक है। तो अब हम आगे आ जाते हैं और हम किसी प्रोडक्ट के साथ चेकआउट करते हैं, तो आई जस्ट गो विद दिस मूनलाइट, ये doesn't matter, आप किसी के साथ भी चले जाएं, लेकिन मैं खैर मूनलाइट के साथ गया हूँ, सही है। अच्छा, सो अब ये एक चीज और मैं बता देता हूँ, ये सरा थोड़ी सी नेक्स्ट लेवल ड्रॉप शिपिंग कर रहा है, लेट मी चेक देयर ट्रैफिक, हाँ इनका काफी हैवी ट्रैफिक है, काफी हैवी ट्रैफिक है, और आप लोग अपने पास ये शॉप सेव कर सकते हो टू जनरेट सम आइडियाज, मैं ये चैट के ऊपर दे रहा हूँ आप लोग को, ठीक है। ये बंदा जो है प्रॉबेबली नॉट 100% श्योर, पर प्रॉबेबली ड्रॉप शिपिंग ये अली एक्सप्रेस से नहीं कर रहा, ये ड्रॉप शिपिंग कर रहा है शायद सीजे से या वीओ से या किसी और थर्ड पार्टी से, सही है। अब ये मुझे कैसे पता चला, क्योंकि इसने अपना जो है ब्रांडिंग करी हुई है इस प्रोडक्ट के ऊपर, लेकिन ये कर ड्रॉप शिपिंग ही रहा है, ठीक है। सो आप भी ये कर सकते हो, लेकिन आप अभी इस लेवल पे आए नहीं हो, ये मैं आगे लेक्चर में जाके बताऊंगा ये कैसे हो सकता है, अभी फिलहाल मैं चेकआउट कर रहा हूं, एड टू कार्ट, सही है, चेकआउट,
ओके सो लेट्स होल्ड दिस थॉट राइट हियर. हम लोग यहीं पर रुक जाते हैं. अब देखते हैं क्या करना है. हमने करना क्या है, नेक्स्ट स्टेप क्या बोल रहे हैं कि हमें कंटेंट आईडी कॉपी करनी है. रिप्लेस द कंटेंट आईडी विद द वैल्यू इन द कोड बिलो. ये रही कंटेंट आईडी जो आपके फेसबुक पिक्सल में हेल्पर में आ रही होगी. सही है. तो रुकिएगा जरा, मैं अपनी पूरी स्क्रीन शेयर कर दूं ताकि आप लोगों को नजर आए. जी, मैं अब इस पूरे कोड को कॉपी करूंगा. एक्सक्यूज मी, सॉरी फॉर माई बैक थ्रोट. जी, और इसमें आप दो वैल्यूज देख रहे होंगे, एक एक्स और एक वाई. एक्स की जगह आपको कंटेंट आईडी डालनी है. तो लेट्स गो बैक टू द शॉप और हम देखते हैं कि कंटेंट आईडी कहाँ आ रही है. ओके, आई थिंक इसे, या सो चेकआउट की कंटेंट आईडी ये रही. इनिशिएट चेकआउट पे जाएंगे आप लोग. इनिशिएट चेकआउट पे क्लिक करने के बाद ड्रॉप डाउन पे आप लोग इस कंटेंट आईडी को कॉपी करोगे. ठीक है, आप लोग इधर आओगे, ये आ गई कंटेंट आईडी. अब वैल्यू वाई की जगह आप लोग को क्या डालना है ये आप बात कर लेते हैं. नेक्स्ट, या सो वैल्यू, जो वैल्यू है वाई, इसकी जगह आप लोग को रिप्लेस करके डालना है. रुके, मैं दिखा रहा हूं आप लोग को द वैल्यू इटसेल्फ, जो प्रोडक्ट की वैल्यू है. ठीक है, ये कॉपी करके डालनी है आप लोगों को. इसको पूरे को कॉपी कर लीजिएगा. ठीक है, कहाँ चला गया. ये आपका कोड तैयार हो गया. अब आप लोगों को इसको इंप्लीमेंट कहाँ करना है ये बात कर लेते हैं. ठीक है, यू हैव टू गो बैक टू द शॉप, राइट क्लिक on the checkout page as an empty space and then click inspect, go in console, paste the code and press enter. Sahi hai, this is the empty space, right click kara, inspect, go in console, yahan aap log space karenge aur enter. Sahi hai, ye ho gaya. मैंने अब आपको चेक करना है, वैलिडेट करना है कि आपका ये पूरा स्टेप सही हुआ है कि नहीं हुआ. आप इसको क्रॉस करेंगे, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और फाइनली आप पे क्या आ रहा है, परचेस. ये पहले नहीं आ रहा था. इसका मतलब आपने सक्सेसफुली परचेस पिक्सल फायर कर दिया. इसका मतलब आपने फेसबुक को इम्प्रेशन दिया है कि आपने ये प्रोडक्ट बाय कर लिया. ठीक है, तो आई मीन ऑब्वियसली आपने फेसबुक को एक धोखा दिया है. और मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर ये बंदा एड्स चला रहे, इसके पास अभी इस वक्त अपने फेसबुक के एड्स मैनेजर पर ट्रिगर हो गया होगा कि ये प्रोडक्ट परचेस कर ली गई है. अगर इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के ऊपर एड चल रहा है, सही है, पिक्सल फायर हो गया, या इसके एटलीस्ट फेसबुक का जो बैकएंड है ना, डैशबोर्ड का, एड्स मैनेजर का, वहां पे ये पिक्सल वैसे भी शो कर रहा होगा, फायर हो गया. तो अब आपने फेसबुक को ये इंप्रेशन दे दिया है दैट यू आर इंटरेस्टेड इन दिस ड्रॉप शिपिंग प्रोडक्ट, आपने ये बाय करा है. और अब एक अब बेसिकली फेसबुक आपको इससे सिमिलर एड्स दिखाना शुरू कर देगा. आपको ये डिफरेंट डिफरेंट शॉप्स के ऊपर करना है. मेरे पास ड्रॉप शिपिंग एड्स आते रहते हैं. मैं नीचे स्क्रॉल करूंगा, प्रोबेबली एक और शो हो जाएगा. सो आई थिंक दिस इज नाउ, दिस इज अ किक स्टार्टअप प्रोजेक्ट. रुकिएगा एक सेकेंड, मैं थोड़ा कन्फर्म कर लूं. नहीं, दिस इज आई प्रोबेबली दिस इज नॉट अ ड्रॉप शिपिंग प्रोडक्ट, बट मैं ये कंफर्म कर सकता हूँ. मैं अभी आप लोग को टेक्निक नहीं दिखाना चाह रहा, क्योंकि वो दैट वुड बी लाइक स्किपिंग द होल प्रोसेस. जो मैं नेक्स्ट दिखाना चाह रहा हूँ आप लोग को, ओके, सो दिस इज अ ड्रॉप शिपिंग प्रोडक्ट. ठीक है, दिस इज अ ड्रॉप शिपिंग प्रोडक्ट. मैं ये देख लेता हूँ कि कंफर्म कर लेता हूँ एक बार. अभी आप लोग इस चक्कर में नहीं पड़िएगा कि मैंने क्या करा है, अली सी क्या है. काफी लोग जानते होंगे, आई नो, बट जो लोग नहीं जानते अभी भूल जाइएगा. मैं सब कंफर्म कर रहा हूँ कि ये ड्रॉप शिपिंग प्रोडक्ट है कि नहीं.
इट डजंट डैमेज एनीथिंग. नहीं मलिक बाबर, इट डजंट डैमेज एनीथिंग. आई मीन स्टोर, आप जब आप बहुत सारे लोग भेज रहे होते हैं ना स्टोर पे और उसके ऊपर परचेजेस होती हैं, तो वो एक या दो चीजों से कुछ भी पिक्सल डैमेज नहीं होता. अगर ऐसा होता ना तो पूरा फेसबुक एड प्लेटफॉर्म जो इटसेल्फ एक बहुत बड़ा फेलियर होता, अगर ऐसा होना होता. एंड आई एम टेलिंग यू दिस फ्रॉम एक्सपीरियंस. मैंने आपको ये सिर्फ मैं नहीं कि मेरे सर्कल में बहुत सारे और भी एड्स मैनेजर और प्रो मतलब प्रो एडवर्टाइजर्स हैं जो ये काम कर, आई मीन ये काम नहीं कर रहे स्पेसिफिकली कि ये हर वक्त जाके सिर्फ यही काम करते रहते हैं. ये काम सिर्फ कुछ बार करने का होता है ताकि आपकी न्यूज फीड में ड्रॉप शिपिंग प्रोडक्ट्स आना शुरू हो जाए. एक मिनट रुकिएगा, आई थिंक कुछ इशू हो रहा है, लेकिन इसमें एक और तरीका है ढूंढने का. चले चेक करते हैं इसको AliExpress पे डायरेक्टली. मोटो प्रो करके तो करना, हाँ. सो सो आई थिंक ये भी सीजे या कहीं से उठा रहा है, लेकिन आई एम नॉट टू श्योर अबाउट इट. सो आई थिंक ये जो है प्रॉबली ये एक ब्रांडेड प्रोडक्ट ही है, बट आई एम स्टिल डाउटफुल अबाउट इट. आई एम काइंड ऑफ doubtful about it. Nah, ye brand hi hai definitely. Itna sutra pura page jo hai na, maine usually dropshipping stores mein nahi dekhta, lekin there's a chance, there's 20% chance ke ye jo hai dropshipping product hai, aur baki main isko save kar raha hu research karne ke liye. Baki jo hai wo ye ke highly likely hai ye ke ye ek branded product hai. खैर, सो यू बेसिकली नीड टू एग्जीक्यूट दिस अ फ्यू टाइम्स. अब ये देखिए, मैं बेसिकली इस प्रोडक्ट पे गया था, आप भी देख सकते हैं, रीटारगेट करना शुरू हो गया मुझे. ये आर्किटेक्चर इसी प्रोडक्ट पे गया था मैं. सो ये दिस इज ऑल्सो नॉट ए ड्रॉप शिपिंग प्रोडक्ट प्रॉबेबली. ठीक है, एक मिनट रुकिए. Not a dropshipping product, but we can have a look at it. No, not a dropshipping product for sure, for sure. So yeah, lekin if you can execute this a few times, अच्छा अब मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि मेरे पास क्यों नहीं शो हो रहा. उसका रीजन ये है कि मैं बेसिकली ब्रांडेड स्टोर के ऊपर काम कर रहा हूँ, not dropshipping, branded proper किसी की लॉन्च के ऊपर हेल्प कर रहा हूँ मैं. तो द रीजन इज बिकॉज मैं दूसरे एड्स को स्पाई कर रहा हूँ उनके, तो मुझे इस तरह के ब्रांडेड प्रोडक्ट्स नजर आ रहे हैं. लेकिन अगर आप जो है स्पेसिफिकली इस तरह आप करते रहोगे तो डेफिनेटली आपको जो है ना नजर आ जाएंगे प्रोडक्ट्स. ठीक है, सो दैट्स प्रीटी मच इट फॉर दिस वन. मैं आप लोगों को क्वेश्चन देख लेता हूँ. आप लोगों ने क्वेश्चन डाल दे जिन्होंने रिजर्व करे हुए, ताकि मैं जोहेब द थिंग इज के चले मैं आप लोग को बता देता हूँ कि अगर आप लोग को डिटर्मिन करना है कि ये ड्रॉप शिपिंग प्रोडक्ट है कि नहीं है. सही है, पहली बात तो ये कि आप यू हैव टू एग्जीक्यूट दिस एटलीस्ट 6 to 7 टाइम्स. नॉट मतलब फौरन से मत करना, दो दिन के गैप से करना, दो दिन के गैप से प्लीज डू दैट. ठीक है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर आप रोज करना शुरू कर दोगे इसको, तो इसको आपको प्रॉबेबली वो रिजल्ट नजर नहीं आएंगे. Give it a 2 to 3 days gap और उसके बाद आप करो इसको execute. ठीक है,
तो दिस कैन बी अ ड्रॉप शिपिंग प्रोडक्ट, ये हो सकता है. ठीक है. सो सलमान पूछ रहे हैं, यू सेड टू चूज सप्लायर्स विद ई पैकेट बिकॉज इट टेक्स 4 to 15 days. ई पैकेट अभी बंद हुआ है, बट ऑनलाइन एक्सप्रेस सप्लायर्स विद ई पैकेट आर टेकिंग मिनिमम 30 to 35 days. देखिए मैं आपको एक बात बता देता हूँ सलमान, आपने अच्छा सवाल करा है. मैं थोड़ी कुछ चीजें चेंज हो गई हैं ड्यू टू कोविड. पहली बात तो ये कि ई पैकेट रीसेंट टाइम्स में, खैर अब वापस आ गया ई पैकेट, अब दिखा रहा है आई थिंक ई पैकेट, हाँ दिखा रहा है, क्योंकि ये तकरीबन 3-4 दिन या 1 हफ्ते पहले जो है ना गायब कर दिया था अली एक्सप्रेस ने, सब लोग इसकी शिकायत कर रहे थे. अब ये सेंस इन्होंने वापस भेज दिया है. तो मैं आपको बताता हूँ तरीका क्या है. तरीका ये है कि अब आपको कोई प्रोडक्ट ढूंढना है, लेट्स सपोज पोस्चर करेक्टर है, सही है. अब अगर आप अली एक्सप्रेस से सेलेक्ट कर रहे हो तो ई पैकेट आप सेलेक्ट करो, लेकिन ई पैकेट में सबसे पहले आप जैसे सपोज ये 4 मेरे सामने सप्लाई नजर आ रहे हैं, चारों को आप खोल लो, सही है. चारों को खोलने के बाद आप देखो कि यहाँ से शिपमेंट कहाँ से, यूएस से कौन से दे रहा है, ये भी नहीं दे रहा, ये भी नहीं दे रहा. तकरीबन पांच चौथे पांचवे तक जो है ना आपके पास सामने यूजली ऐसा आ जाता है जो कि शिप फ्रॉम यूएसए कर रहा होता है. ठीक है, थोड़ा सा आपको सर्च करना पड़ेगा, एक मिनट रुकिएगा. शिप्स फ्रॉम यूएस, ठीक है. तो अब मैं ऑब्वियसली इसके रिव्यूज का इश्यूज है, लेकिन मैं अभी रिव्यूज की बात नहीं कर रहा, मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको ऐसा सप्लायर ढूंढना पड़ेगा जिसका शिप फ्रॉम यूएस हो, और सिर्फ शिप फ्रॉम यूएस नहीं हो, आपको उनको एक बार मैसेज करना होगा कि क्या आपका स्टॉक यूएस में पड़ा हुआ है. अगर मैं आपकी शिप फ्रॉम यूएस सेलेक्ट करता हूँ और आप क्या अगले 7 दिन से 14 दिन के अंदर आप शिप कर दोगे, तो उसके रिप्लाई का आप वेट कीजिएगा. ठीक है, तो क्योंकि आप प्रोडक्ट सिलेक्शन कर रहे हो तो साथ ही साथ आप सप्लायर्स को एक मैसेज भी छोड़ सकते हो कि आई वॉन्ट टू नो कि आप कितने अर्से में ये प्रोडक्ट शिप कर रहे होगे. ठीक है, इसका भी शिप फ्रॉम यूएसए की आप रेटिंग भी चेक कर सकते हो. ठीक है, चार से 13 दिन में, विच ओनली $5 ये चार्ज कर रहा है, 4 से 13 दिन में वो शिप कर देगा. तो आपने सिर्फ ये इससे पूछना है कि भाई आपने ये शिप फ्रॉम यूएस रखा हुआ है, क्या आपका स्टॉक यूएस वेयर हाउस में है या नहीं है, बस. ठीक है, सो आई होप दैट मेक्स इट एक्सप्लिसिट. जी, फिल्टर से भी हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं डायरेक्टली. सो एक और जगह है जहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हो, वो ड्रॉप शिपिंग सेंटर है, वहां पे भी जाके आप ये चीजें डाल सकते हो ताकि आपकी जिंदगी आसान हो. ठीक है, सेम थिंग, शुड बी फोकस मोर ऑन सॉफ्टवेयर लाइक ई कॉम हंट मोर, एंड व्हाट इज योर व्यू इन IDM एज आई जस्ट सॉ द इंडक्शन सेशन आल्सो हाउ टू गो फॉर प्रोडक्ट एंड निश. IDM, सॉरी, व्हाट IDM, मैं समझा नहीं. आर यू टॉकिंग अबाउट इंस्टीट्यूट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग पाकिस्तान? I don't know what you're talking about exactly. थोड़ा सा आप मुझे clarity दे दो. As I just saw your induction page. Also, how to go about product and niche approval from you and investment. ये मैं अभी आप लोगों को बताया, ये सब कुछ बात करते हुए कि ये आप लोगों को मैं next session में बताऊंगा कि आप लोग का product selection, niche selection के ऊपर किस तरह पूरा session चल रहा होगा. Niche selection आप लोग कर सकते हो, कोई इसमें rocket science नहीं है. Product selection असल चीज है, सही है. उसके ऊपर मैं हेल्प कर रहा हूँ. Facebook ads initially, how much campaigns I should run and whether I should run campaign worldwide or in USA? नहीं, you should not run campaign worldwide. You should run campaigns only in tier one countries. And if your tier one country is Europe side, so let's suppose Germany, so you have to get your whole website done in German language. ठीक है, तो ये चीज दिमाग में रखना. Sir, you found about product on AliExpress. How can you search? सेम प्रोडक्ट. ये अब जब मैं अपनी नेक्स्ट क्लास प्रोबेबली एक या दो और क्लासेस होंगी जिसमें हम लोग, मैं प्रोडक्ट हंटिंग रैप अप कर रहा हूँ, तो उसमें एक तरीका है जिसमें आप ये पता लगा सकते हो कि और कौन से स्टोर है जो सिमिलर प्रोडक्ट सेल कर रहा है. ठीक है, वो मैं बता दूंगा आप लोगों को.
असल में द अडोरेबल किचन, देखो द शॉप लुक्स नाइस, लेकिन बहुत स्क्रॉलिंग है. आपको अपनी जो मेन पेज के ऊपर स्क्रॉलिंग है इतनी लंबी नहीं रखनी, पहली चीज तो ये. दूसरी चीज, कोई नंबर यहाँ पे नहीं दिया हुआ आपने, या कहीं पे जहाँ पे बंदा जो है ना जो पहली बार आए, आपने फिर कोई टर्म्स ऑफ सर्विस, प्राइवेसी पॉलिसी, कोई चीज फुटर में भी नहीं डाली हुई. आपके प्रोडक्ट्स सिर्फ प्रोडक्ट्स 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 आ रहे हैं, कोई सोशल प्रूफ नहीं है कि मतलब चीज़ें दिखाई हुई हो आपने, जिससे थोड़ा सा एक फीलिंग आए कि नहीं यार प्रोडक्ट लेजिट. आई मीन एक बहुत लंबी लिस्ट है प्रोडक्ट्स की, ये आपको अवॉइड करनी है. प्रोडक्ट का आपको थोड़ा सा शॉर्टेंड इसका वो बनाना है. आप seconds.co को देख लो, 5ECONDS, 5ECONDS.co, उसको देख लो उन्होंने कैसे बनाया हुआ है. उन्होंने बहुत अच्छा बनाया हुआ है, सही है. सो फिलहाल तो उनको देख के आप रिवर्ट बैक टू मी, लेट मी नो अगर आपने आप उस लिहाज से अपनी पूरी साइट सेट करो और फिर आप मुझे दिखाओ, तो मैं देख के आपको बताता हूँ क्या क्या चीज़ें सेट कर सकते हो. ठीक है, अभी देयर इज टू मच टू मेनी इम्प्रूवमेंट्स ऑनेस्टली, लेकिन मैंने आपको कुछ बेसिक वाली बता दी है. फुटर में आपकी टर्म्स ऑफ सर्विस सारी चीज़ें होनी चाहिए, आपका कंपनी लोगो होना चाहिए, आप एड्रेस वगैरह सारी चीज़ें आपकी होनी चाहिए, कॉन्टैक्ट अस होना चाहिए, ट्रैकिंग इन्फो यहाँ पे नहीं है, ट्रैकिंग भूल गया आफ्टरशिप का यहाँ पे आपका वो, आप अपने अपनी वेबसाइट के साथ आफ्टरशिप को जो है ना इंटीग्रेट करोगे, यहाँ पे ट्रैकिंग का यहाँ पे एक ऑप्शन डालोगे नेविगेशन में. ठीक है, कि अगर कोई कस्टमर आके डायरेक्ट ट्रैकिंग करना चाहे तो वो हो जाए. सो या सो ये सर्टिफिकेट चीज सुन ये तो मैं बात कर सेकंड चीज ये भी कर चुका हूँ. ओके सर, वांट टू स्टार्ट बिल्डिंग ड्रॉपशिपिंग स्टोर, यू सेड यू नीड टू डू द प्रोडक्ट रिसर्च फर्स्ट एंड देन यू नीड टू डिजाइन स्टोर. बिल्कुल, व्हाट आर यू डूइंग ड्यूरिंग दिस टाइम? देखो, यू नीड टू बी इक्विप्ड विद मैक्सिमम नॉलेज. लीगल एंटिटी, यस. सो मैं बता देता हूँ आप लोग को, LLC के ऊपर काम करना होगा आप PayPal बिजनेस बनाने के लिए. PayPal बिजनेस बनाना है आप लोग को, ठीक है, देयर इज नो वे अराउंड इट. आपको PayPal बिजनेस बनाना है. अब उसके लिए आप जहन से बात करो, वो मेरा एरिया मतलब बेसिकली देखे, मैं किसी के साथ काम कर रहा हूँ मिलकर, तो मुझे ये इश्यूज फेस नहीं हो रहे. आप लोग को इसके ऊपर काम करना है, ठीक है. ठीक है, प्लीज शेयर द चेकलिस्ट एंड ये चेकलिस्ट मैं आपको वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर में दे दूंगा, ठीक है, आगे आने वाली क्लासेस में, ताकि आपको क्लैरिटी मिल जाए वजह. ठीक है, I've texted you on Discord and showed you my store. We are facing the same issues in shipping. तो बिलाल, इसका मैं आपको आसान सॉल्यूशन बता देता हूँ. जो प्रोडक्ट्स आपने सेलेक्ट करे हुए ना AliExpress में, उसमें से बहुत सारे प्रोडक्ट्स, नॉट ऑल प्रोडक्ट्स बट कुछ या काफी प्रोडक्ट्स जो होते हैं ना, वो सीजे ड्रॉप शिपिंग पे भी होते हैं. आप सीजे ड्रॉप शिपिंग पे शिफ्ट कर लो, क्योंकि उनके बहुत सारे वेयर हाउसेस में वो प्रोडक्ट्स रखे हुए होते हैं जो US में होते हैं. ठीक है, 10 मिनट कॉल, इट रियली डिपेंड्स. आप 1 month स्टूडेंट हो, मैं आपको चैट पे रिप्लाई कर सकता हूँ. डिस्कॉर्ड पे मैं स्पेसिफिक टाइम्स में बैठता हूँ, तो मैं उस स्पेसिफिक टाइम्स में बहुत सारे लोगों के मैसेज आए हुए होते हैं, तो मैं सबको रिप्लाई करता जाता हूँ. ठीक है, भाई मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा, उसका मसला नहीं है. ठीक है, आई शुड बी गो विद डेडिकेटेड फेसबुक ID फॉर ड्रॉप शिपिंग एड्स. मुझे थोड़ा आपका क्वेश्चन के ऊपर थोड़ा सा एक वेक पॉइंट है. मोइस भाई, शुड बी गो विद न्यू डेडिकेटेड फेसबुक ID फॉर ड्रॉप शिपिंग एड्स? न्यू डेडिकेटेड फेसबुक ID, ऑब्वियसली मतलब आपको बिजनेस मैनेजर बनाना पड़ेगा. ये सारी मैं आपको ट्रेनिंग दूंगा, राइट, ये सारी मैं आपको ट्रेनिंग दूंगा, तो आपको समझ आ जाएगा कि आपको किस तरह अपना बिजनेस मैनेजर बनाना है, किस तरह अपना एड अकाउंट लगाना है उस पर, सारी चीजें. इट हेल्प्स अस मोर एंड फेसबुक मेक न्यू एनालिटिक्स अकॉर्डिंग टू आवर सर्च. मुझे समझ नहीं आई आपकी ये बात, तो आई एम सॉरी. आप रिफ्रेश करके मुझे बता दो, या आप लोग इवन रोमन उर्दू में लिख दो, एंड मुझे कोई इशू नहीं. So, kindly check my store. Okay.
ये वाला जो हिस्सा है ना, जो आपका फीचर्ड प्रोडक्ट होता है जिसके सेल होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, उनको आप उसको उस वाले फोल्ड को आप टॉप पे रखें, यहाँ पे टॉप ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स के ऊपर। ठीक है, ये आपने स्टार्ट बहुत अच्छा करा है, ट्रैकिंग यहाँ पर होनी चाहिए। मेंशन आप कर दें कोविड की वजह से थोड़ा सा शिपिंग डिलेस हो सकते हैं ऊपर। ये जो आपने पूरा एक फोल्ड रखा हुआ है ना इसका, ये इसमें टेक्स्ट आप कम कर दें, ये इमेजेस डिलीट कर दें, नीचे वाली ये भी डिलीट कर दें, एंड इस पे आप ये ऑप्शन रख दें कि लोग प्रोडक्ट पेज के ऊपर भी जा सकते हो, ठीक है, इफ दैट्स पॉसिबल, और ये आप टॉप पे लाए यहाँ पर। ठीक है, दिस इज फाइन, बट अगर और रियलिस्टिक इमेजेस हों आप, मतलब भले देखें, आपको शायद ये पता होगा कि अली एक्सप्रेस के रिव्यूज को आप इम्पोर्ट कर सकते हो, आई थिंक लूक्स, आई थिंक लूक्स सही है, इसको एज फार एज आई नो आप इसको जो है ना अपने मेन होम पेज पे इंटीग्रेट कर सकते हो, यहाँ पर इस पूरे एरिया को मिटा देना और यहाँ पर जो है ना लूक्स के सारे किस इन डिफरेंट प्रोडक्ट्स के रिव्यूज जो है ना इम्पोर्ट कर देना सारे नीचे। ठीक है, तो वो नीचे आ जाएंगे। तो आई थिंक ये सेकेंड्स ने भी करा हुआ है, आप ये देख रहे हैं इसने किस तरह फीचर प्रोडक्ट सामने लाया भाई, ये देखें इस तरह आप फीचर प्रोडक्ट लाएंगे, आप क्लिक करें तो प्रोडक्ट पेज पे ले जाए और फिर उसके बाद ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स आ रहे हैं इसके। और फिर सही है, आप एक ये वाला हिस्सा रखिए जैसे आपने रखा हुआ, ये वाला हिस्सा रखिए, बट कीप इट शॉर्ट, बहुत बड़ा फोल्ड है वो आपका। ठीक है, और नीचे ये देखें डिफरेंट प्रोडक्ट्स के रिव्यूज आए हुए हैं यहाँ पे, इस तरह रखें आप, तो दिस विल हेल्प यू। ठीक है, हो सो या थीम मैं आगे आप लोग को और बताता चलूंगा, वैसे थीम का मैंने आपको आइडिया दे दिया है। ओके गाइस, आई थिंक दैट्स प्रीटी मच इट दिस कॉम्प्लिकेशन। तो ये बात भी तो मैंने आप लोग से करी है लिटिगेशन वगैरह से रिलेटेड, कि भाई आप ऐसे प्रोडक्ट्स मत यूज करो जो कि स्किन पे लगे या कोई ऐसी चीजें, क्योंकि ऑब्वियसली आपको इश्यूज फेस हो सकते हैं। तो ये तो मैंने आप लोग को पिछले सेशन में ही आप लोग को बता दिया था। थीम फॉर स्टोर, कैन यूज इट फॉर मल्टीपल स्टोर? नहीं, यू कैन नॉट यूज अ सेम थीम फॉर मल्टीपल स्टोर, यू हैव टू बाय द सेम थीम मल्टीपल टाइम्स टू यूज इट ऑन मल्टीपल स्टोर्स। यू शुड गो डेडिकेटेड फेसबुक आईडी एड्स, इट कैन बी मोर यूज के एक फेसबुक आईडी बना लिए बिल्कुल न्यू और उस पे फिक्स पिक्सेल फाइल इंटीग्रेट कर लिए। हाँ, आप ये कर सकते हो बॉस, मैं आप लोग को एक बात बताऊं इसमें सबसे बेस्ट तरीका क्या है। इसमें सबसे बेस्ट तरीका ये है कि अगर आपके पास यूएस की फेसबुक आईडी है या कहीं से कोई फेक यूएस की फेसबुक आईडी बन रही है, आप उसको वीपीएन से हमेशा एक्सेस करो यूएस की आईपी लगा के, तो आपको सबसे बेस्ट एड्स दिखेंगे, सबसे बेस्ट एड्स दिखेंगे आपको। ओके ठीक है, आई लुक इनटू इट अशर, आई लुक इनटू इट फ्रॉम फाइवर हियर वेटिंग फॉर कस्टमर टू बी असाइंड। Okay, okay. So, yes, sir, do we know if the product is sold out? Means if the product is sold out too much, if it's worth selling, reselling it? There is a way. ये मैं discuss कर लूँगा. ये मैं आप इसको highlight करो. Please कोई इसको वो ना करे. ठीक है. इसके ऊपर मैं थोड़ी सी detailed research अपनी दूँगा. ठीक है. लाल वाले को please कोई touch ना करे. मैं अभी नहीं कर सकता, ये आगे का सेशन है, यू जस्ट गोइंग टू फार अहेड। मैं अभी इस पर बात कर लूंगा तो बहुत बड़े मसले हो जाएंगे, बाकी सब कंफ्यूज हो जाएंगे। पीपीई कैंपेन्स ये इटसेल्फ एक तरीका है प्रॉपर, बहुत लंबा, इस पर काफी लंबी बात होगी। ठीक है, वी शुड बी ऑप्टन फॉर आई डी एम पाकिस्तान? नो, आई वुड से कि मैं आई एम नो वन टू से टेल यू के आप आई डी एम पाकिस्तान पे करो। आप कोक से पूछोगे क्या मैं पेप्सी पी लूं, तो आप समझ रहे हो मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ। आई डी एम पाकिस्तान, आई रिस्पेक्ट आई डी एम पाकिस्तान, बहुत अच्छा है वो लोग, मैं वहीं से आया हूँ, आई रियली लव देम,
आई लव ऑल दिस प्लेटफॉर्म, सही है? तो आई एम नो वन टू से कि आप IDM पे जाओ या आप कहीं और जाओ, मैं चीज से बिलोंग करता हूँ, तो आई होप यू अंडरस्टैंड, सही है? I'm level one seller on Fiverr service. The product can be services and product research from the services. Yes, 100%. Question is that what data should I provide? Okay, so what data? मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ. You need to provide them sales volume particular supplier से कितनी चल रही है, ठीक है? वो प्रोडक्ट जो आप दे रहे हो, उस प्रोडक्ट पर्टिकुलर प्रोडक्ट की सेल्स वॉल्यूम, उसका वीडियो एड, बोल देना कि ये बनाता नहीं हूं मैं, जो जेनेरिक है, जो सप्लायर प्रोवाइड कर रहा है वही मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं. फेसबुक की इंटरेस्ट ऑडियंसेस जो उसके ऊपर काम कर सकती है, रिकमेंडेशंस, इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर एक दो दे दो या तीन दे दो, जो कि जिनको वो रीच आउट कर सकता है वो प्रोडक्ट एडवर्टाइज कराने के लिए. और प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन SEO ऑप्टिमाइज, और सेल्स वॉल्यूम क्या चल रही है, आई गेस यही सारी मेन चीजें मैटर करती हैं सबसे ज्यादा, ठीक है? आई थिंक एक दो कोई और मैट्रिक्स होंगे, मैं देख के बता दूंगा, मुझसे चाहो तो पूछ लेना, लेकिन दैट्स प्रीटी मच इट. एक मिनट में देख लेता हूँ. मुझे लॉग इन करना पड़ेगा. आई एम नॉट सपोज टू लॉग इन फ्रॉम दिस लैपटॉप, बिकॉज वो कुछ मैं दूसरे इंटरनेट पे हूँ और मैं कोई वो मसला नहीं चाह रहा हूँ फाइबर पे. तो और कोई चीज़ है सर्च, मैं सोचते थे एक मिनट. प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, प्रोडक्ट सप्लायर लिंक, सप्लायर की हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, उसका स्क्रीनशॉट, टोटल सेल्स वॉल्यूम का, वीडियो एड, फेसबुक एड ऑडियंसेस सजेस्ट कर दो, एंड या दैट्स प्रीटी मच इट, ठीक है? सर व्हेन द ऑर्डर इज प्लेस डू वी हैव टू सेंड मनी टू AliExpress मैनुअली? When the order is placed, you have to process the order on AliExpress through your credit card. सही है? So how will you be doing that? Through Obello. Obello पे मैं आप लोगों को बता दूंगा कि कितना आसानी से हो रहा होता है, मतलब वो जगह दिखा दूंगा मैं आप लोगों को, तो फिर आप लोग समझ जाओगे. वो पूरा ऑटोमेटेड तरीका है, ठीक है? You need to consider shipping cost and profit calculation. Yes, you need to consider shipping cost as well. So where can we send you products to check? ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ये प्रोसेस तरीका हो रहा है, ये मैं नेक्स्ट टाइम आप लोगों को बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में. सर कैन आई स्टार्ट पीपी कैंपेन स्टडी गाइड फॉर इंक्रीजिंग सोशल प्रूफ? ये मैं फिर आपको बता चुका हूँ कि सोशल प्रूफ के ऊपर मैं आप लोग से बात करूँगा जब, एंड आई अंडरस्टैंड कि आप लोग फेब्रुअरी से हो और तभी मैं उसकी पहले की भी क्लासेस रिकॉर्ड कर रहा हूँ, देर आर लॉट ऑफ क्लासेस, तो इस वजह से टाइम लग रहा है, मैं बहुत ज़्यादा प्री ऑक्यूपाइड चल रहा हूँ, लेकिन आई एम स्टिल मेकिंग देम. माई क्वेश्चन इज अबाउट वेरिएशन दैट वी इंक्लूड, देर आर सर्टेन प्रोडक्ट्स 5 to 10 वेरिएशन, क्या मतलब? ओके, डू वी इंक्लूड ऑल? ये डिपेंड करता है, कुछ लोग क्या करते हैं कि ताकि कस्टमर कंफ्यूज ना हो, वो सिर्फ 3 वेरिएशंस देते हैं या 2 वेरिएशंस देते हैं, तो ये आपके ऊपर है. और कुछ लोग क्या करते हैं, सारी वेरिएशंस देते हैं, लेकिन उसमें कभी कभी कस्टमर थोड़ा सा कंफ्यूज रहता है कि कौन से ले. देन हाउ कैन यू नो विच इज द बेस्ट सेलिंग वेरिएशन? अब ये तो आप लगाओगे, जब आप एड्स चलाओगे तभी पता चलेगा ना वेरिएशन किस टाइप की है, क्या कलर वेरिएशन है या प्रोडक्ट ही चेंज है. अगर प्रोडक्ट ही चेंज है तो फिर आप उसके अलग अलग प्रोडक्ट पेजेस बनाओ. वो Obello में ऑप्शन होता है कि आप उस उन वेरिएशंस को तोड़ दो अलग अलग प्रोडक्ट्स में, ठीक है? आल्सो इफ यू चेंज द नेम ऑफ द वेरिएशन ऑन आवर स्टोर, नहीं यू डोंट नीड टू टेल अबाउट इट. आप नाम कुछ भी रखो वेरिएशन का, वो आपकी मर्जी है, कोई मसला नहीं है, ठीक है? सर आई हैव इंडिविजुअल PayPal अल्टरनेटिव टू पे. इंडिविजुअल PayPal प्रॉब्लम करेगा आई थिंक, अब नहीं चलता, पहले चलता था, तो ये PayPal एक्सप्रेस एंड इंडिविजुअल चल जाता था, आपको बिजनेस PayPal चाहिए. सर हाउ कैन यू कैलकुलेट द करेक्ट प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट फॉर योर स्टोर? क्या मतलब सर, हाउ कैन वी कैलकुलेट द करेक्ट प्राइस फॉर अ प्रोडक्ट? मैं ये समझा नहीं, थोड़ी सी वेग है, मतलब करेक्ट प्राइस क्या? सारी कैलकुलेशन वो मैं कैलकुलेशन करके बता दूंगा,
आपके इनके को उसको भी मैं रेड कर रहा हूँ, इसके ऊपर मैं डिटेल डिस्कशन बाद में कर लूँगा ताकि इसमें सेलेक्ट करा भाई शायद, या इसको मैं डिस्कस कर लूँगा ठीक है। हाउ मेनी मार्केट वुड यू प्रेफर, चूज टू स्टार्ट सेलिंग, यूएस, यूके, कनाडा। आप ऑस्ट्रेलिया, नेदरलैंड्स वगैरह भी कर सकते हो, आयरलैंड, नेदरलैंड्स वगैरह, जर्मनी भी कर सकते हो, लेकिन मैं यूएस, यूके और कनाडा पे ज़्यादा करता था फोकस ठीक है। और जब मुझे लगता था कि नहीं इसका स्कोप बढ़ रहा है, मेरे पास पिक्सल अच्छे खासे फायर हो गए हैं परचेज, तो फिर मैं बाकी मार्केट्स की तरफ भी चला जाता था, विच इज़ ऑस्ट्रेलिया, नेदरलैंड, आयरलैंड वगैरह वगैरह, न्यूजीलैंड, इनकी तरफ भी चला जाता था ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे, इंशाल्लाह अंटिल नेक्स्ट टाइम, मैं इंशाल्लाह मजीद चीज़ों के ऊपर रिसर्च करके आप लोग को अपडेट्स देता रहूँगा और स्लाइड्स भी अपडेट करता रहूँगा ठीक है। ओके देन, आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।